मैं तो आज आपके सामने उदयपुर ब्यूरो चीफ लक्ष्मण गोरन की रिपोर्ट। आप बिल्कुल, आपके और हमारा अगर सहयोग रहा, आम आदमी के प्रति दर्द रहा, तो मैं तो कहता हूँ कि आप चाहिए मैं हमारी बोरा गणेश विकास समिति इस तरह की किसी भी शिकायत को कंसल्ट करेगी, उसको मतलब नागरिकों को छोड़ रखा है। तो पार्किंग नहीं पड़ती, दुकानें बढ़ा दी जाती है, पार्किंग की दिक्कत है हमारी गली में। आप 8 बजे आओ, ये सड़क 40 फीट की है, कहीं 12 फीट की, कहीं 15 फीट की, देख लो आप एंट्री भी देख लो। हाँ, खुद की बिल्डिंग करने के दुकानें बना, हाँ बना देते हैं लोग बेचारे लड़े। हाँ, अनु व्यास, रिटायर्ड हरिधन स्टार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वर्तमान में बोरा गणेश क्षेत्र विकास समिति का अध्यक्ष, साथ में मेरे उपाध्यक्ष जगत जी नागदा सचिव हैं। क्षेत्र की एक गंभीर समस्या जिससे कि अपराधीकरण इस क्षेत्र में बढ़ रहा है, और उसका कारण ये है कि UIT के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर प्लान बनाया गया था 2005 में, अवार्ड जारी किया था, उसके बाद UIT ने इसकी तरफ जान के नहीं देखा। असामाजिक तत्व जमीनें बेच रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, संजय मेहता है, महबूब अली है, इमरान डायर है, इसी तरह से इन लोगों ने 50 से 60 करोड़ की ज़मीन को कब्जे कर लिया है जो हाईवे से लगती हुई है, और अपराधीकरण बढ़ रहा है। इधर हमारे कॉलोनी में वृंदावन नगर के सामने महबूब अली ने श्री संजय मेहता से 3900 स्क्वायर फीट जमीन रजिस्ट्री करवाई दो व्यक्तियों के नाम, 3900 की जगह 2016 से लेके अब तक वो 38,000 स्क्वायर फीट लैंड ग्रैब कर चुका है और निर्माण भी कर चुका है। इस पर UIT ने नोटिस दिया था 1650 फीट को ध्वस्त करने का, स्टे कोर्ट से स्टे भी UIT ने दिलवाया, वकील ही नहीं गया, और उस स्टे की आड़ में 20,000 फीट का कंस्ट्रक्शन और 38,000 फीट का नाजायज कब्जा इन्होंने किया है। एरिया के लोगों को धमकाते हैं, अजीबोगरीब संदिग्ध गतिविधियां हैं, लोग आते हैं जाते हैं, अजीबोगरीब और रोष है इसमें। और इसके अलावा इस पूरे एरिया में होस्तवाल नगर से धूलकोट तक कोई सड़क ही नहीं है, ये प्लान इन्होंने बना दिया, एग्जीक्यूट कर नहीं रहे हैं। आसपास की 15-20 हज़ार की जनता बहुत दुखी हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपको सुंदरबाद में है, वहाँ से नहीं निकले तो आपको धूलकोट से ही निकलना पड़ेगा हाईवे के लिए, बीच में कोई है नहीं। प्लान में से 3 सड़कें निकल रही है हाईवे के लिए, जयश्री कॉलोनी और आगे से भी सड़कें निकल रही है, लेकिन कोई निकाल ही नहीं रहा, ना नेता ध्यान दे रहे हैं और अफसरों को तो कोई मतलब ही नहीं है। ये आते हैं अपने अपने नेता के माध्यम से प्रायोजित होके और अपनी कमाईयों में लग जाते हैं। आज मैं प्रशासन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब 2006 में एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट लागू हुआ है और जिसमें लैंड ग्रैबर्स के ऊपर पूरे प्रावधान दिए हैं, तो इस एक्ट के लागू होने से आज तक 15 साल में उदयपुर में लैंड ग्रैबिंग के हजारों केस हुए हैं, रोज़ मुकदमे होते हैं, रोज़ गिरफ्तारियां होती है। आज तक इस एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? मेरे जानकारी के हिसाब से एक भी व्यक्ति के ऊपर लैंड ग्रैबिंग की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबर्स उदयपुर में रहते हैं। सारी डेटेड नए UIT ने कोई प्लान किए हैं, डेढ़ दो दो बीघा की जमीन की कॉलोनियां कट गई है, आपस में सड़क नहीं मिलती, चौराहे सकड़े हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बड़ा अजीबोगरीब हाल हो गया है। और ये उदयपुर के जनप्रतिनिधियों की देन है, जो आज 20-25-30 साल से अपने आप को तमगा लगाए घूमते हैं कि हम ये कर लेंगे, हमने वो किया। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या ये उदयपुर है? आपने ये उदयपुर बनाया? आपने अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए इस अपराधीकृत उदयपुर को देंगे? क्या तमाशा कर रखा है? और इसके बारे में हम एकत्रित होकर, मेरा तो उदयपुर की जनता से और जो भुक्तभोगी लोग हैं, आप आइए हमारी समिति से संपर्क करिए, हमने एक अभियान चलाया, हमारी ज़मीन और ये जो गड़बड़ हुई है वो तो हम सुधरवाएंगे, हर हालत में सुधरवाएंगे। और आपको भी जो इन संस्थाओं से जो आप दुखी हो रहे हैं, आपको उनकी सेवाएं नहीं मिल रही है, बल्कि सेवाएं का ये तो लूट रहे हैं आपको। और जब तक ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं होगी, हम सामूहिक रूप से हमें लड़ना पड़ेगा, हमें ही आगे आना पड़ेगा, ये कोई कुछ नहीं करते। रोहिंग्या वाली बात कही थी आपने? हाँ, मैंने कही है, बिल्कुल। इस तरह के लोग सामने, यहाँ 30-40 लोग तो यहाँ सामने रहते हैं, काम करते हैं, इधर इन्होंने मदरसा और एक धार्मिक स्थल बना रखा है, और उसमें 30-30, 40-40 लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा ही अलग है, वो इधर नॉर्दर्न इंडिया के हैं ही नहीं। रोज नए लोग नजर आते हैं, और इनमें ऐसे भी आते हैं
इसकी प्रशासन जांच कराए, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और हम लिख के दे रहे हैं साल भर से, तो कोई जांच के देखने को तैयार नहीं है। हमने फोटोएं खींच के भेजी, असामाजिक तत्व हो रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पुलिस विभाग को भेजी। पुलिस विभाग भी क्या, रोज तो 24 घंटे आदमी रख नहीं सकता। यूआईटी को आखिर इतनी शहर के बीचों बीच इतनी करोड़ों 500-600 करोड़ की भूमि है, उसकी सुध लेनी चाहिए और अपराधीकरण से इस एरिया को मुक्त कराना चाहिए, अच्छी तरह से कनेक्टिंग जोड़ना चाहिए और इनको जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके विरुद्ध एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा जो अवैध कब्जे किए हैं वो हटाना चाहिए। और यही सारी बस्ती का और सारे हमारे आसपास के 15-20 हज़ार लोगों की जो बस्ती है उनका ये कहना है, और नहीं तो ये गंभीर रूप भविष्य में लेगा। और हम प्रशासन के भरोसे हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से चलेगा तो हम चलने नहीं देंगे। ठीक है, यूआईटी के जिन अधिकारियों का फिर मिली भगत की वजह से ये हुआ है, यूआईटी की जमीन है, कौन अधिकारी है इनमें जो इनसे मिले हुए हैं? भाई इनसे संबंधित 3-4 लोग आते हैं। एक तो आता पटवारी जो कब्जे की रिपोर्ट करता है, एक आता है सर्किल इंस्पेक्टर, फिर आता है तहसीलदार जो नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने के बाद फैसला तहसीलदार करता है। अब वो तहसीलदार फैसला 15 में फैसला करके खुद ही फाइल दबा के ऊपर बैठ जाए, सेक्शन उस फैसले को बाहर नहीं निकलने दे। यूआईटी का तहसीलदार का फैसला यूआईटी के डिमोलिशन इंस्पेक्टर तक नहीं पहुंच पाता है 15 साल में, क्या उम्मीद करेंगे हम? ये हाल है यूआईटी का। और सारे अधिकारी वही रहते हैं, कभी कोई अधिकारी अवाप्ती अधिकारी है, प्रमोशन हुआ ओएसडी बन गया, और प्रमोशन हुआ सेक्रेटरी बन गया। यही किस्सा चल रहा है अभी वर्तमान में भी, यही किस्सा चल रहा है पत्रिका में भी। कुछ दिन पहले जो ठहरे हुए अधिकारी हैं, तो भाई साहब इस प्रशासन में मैं 37 साल नौकरी में रहा हूँ, मुझे पता है हर महत्वपूर्ण पद की नीलामी होती है, ये प्रायोजित होते हैं, अपने नेताओं को लाभान्वित करते हैं और खुद भी लाभान्वित होते हैं और मिली भगत चलती है। और ये प्रशासन का यही स्वरूप है, वरना कौन करोड़ों रुपए लगा के कोई कमंडल हाथ में लेके और जनता के भले के लिए कोई चुनाव थोड़ी लड़ते हैं। ये सारे जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था की दलाली करते हैं, इस व्यवस्था में काम करवाते हैं।